हे फ्रेंड्स, वेलकम टू लास्ट मोमेंट ट्यूशन। मेरा नाम अक्षय है और आज हम देखेंगे ECCF का चैप्टर 3, जिसका नाम है OPAMP, ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो दोस्तों, पिछले वीडियोस में हम लोग ने एम्पलीफायर के बारे में देखा, जो लो एम्पलीट्यूड सिग्नल को हाई एम्पलीट्यूड सिग्नल में कन्वर्ट करता है। अभी हम देखेंगे ऑपरेशनल एम्पलीफायर के बारे में। तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या करते हैं? तो पिछले जो टाइम था, जब डिजिटल कंप्यूटर्स नहीं थे, तो तभी एडिशन सब्ट्रैक्शन जो मैथमेटिकल ऑपरेशन थे, वो जो परफॉर्म होते थे तभी कंप्यूटर्स पे परफॉर्म नहीं होते थे। तो तब हम लोग यूज़ करते थे ऑपरेशनल एम्पलीफायर का। तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर ये सब ऑपरेशन परफॉर्म करता है, लाइक एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन लॉग एंटी लॉग। इसलिए वो एम्पलीफायर का नाम क्या हो गया? ऑपरेशनल एम्पलीफायर। मतलब ये वाला जो एम्पलीफायर है ना, वो आपको अलग अलग एप्लीकेशन प्रोवाइड कर रहा है, जैसे कि एडर एज अ सब्ट्रैक्टर, मल्टीप्लायर, टाइमर दे एज अ वोल्टेज कंपैरेटर। तो इसके लिए उसका नाम हो गया ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो दोस्तों, हम लोग अभी ऑपरेशनल एम्पलीफायर के थोड़े सिम्बॉल्स एंड टर्मिनल्स के बारे में देखेंगे। तो ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर का सिम्बॉल, यहाँ पे हम लोग को 5 टर्मिनल्स दिख रहे हैं। तो जो स्टार्टिंग के दो टर्मिनल है इनपुट के लिए, दो टर्मिनल है सप्लाई वोल्टेज के लिए, और एक टर्मिनल है आउटपुट के लिए। तो जो टर्मिनल नंबर 2 और 3 है, वो जो इनपुट दे रहा है, तो इन्वर्टिंग इनपुट और नॉन इन्वर्टिंग इनपुट। इन्वर्टिंग इनपुट मतलब जो इनपुट दिया वो उल्टा हो जाएगा, और नॉन इन्वर्टिंग इनपुट मतलब इनपुट एज इट इज रहेगा। ये पॉजिटिव पावर सप्लाई, ये नेगेटिव पावर सप्लाई, और यहाँ पे हम लोग को मिलने वाला है आउटपुट। और यहाँ पे इसका इक्विवेलेंट सर्किट है, तो दो इनपुट टर्मिनल के बीच में एक रेजिस्टेंस है, जिसको हम लोग बोलेंगे इनपुट रेजिस्टेंस। और ये जो आउटपुट मिल रहा है, यहाँ पे हम लोग को आउटपुट मिल रहा है ना वी आउट, तो ये आउटपुट के पहले जो रेजिस्टर है उसको हम लोग बोलेंगे आउटपुट रेजिस्टेंस, RO, आउटपुट रेजिस्टेंस। और ये तो लोड रेजिस्टेंस है। तो दोस्तों, ये था इनपुट रेजिस्टेंस के बारे में, आउटपुट रेजिस्टेंस। और ये AV इंटू VD क्या है? तो ये वी नॉट का फॉर्मूला है, मतलब वी आउटपुट जो होता है वो है AV इंटू VD। AV बोले तो क्या? एम्पलीफायर गेन। तो आपको एम्पलीफायर गेन के बारे में बता दूं कि एम्पलीफायर गेन क्या होता है। तो दोस्तों, एम्पलीफायर गेन कुछ नहीं है, वो एक है आपका आउटपुट वोल्टेज जो आ रहा है अपॉन इनपुट वोल्टेज। मतलब आपका आउटपुट एज कम्पेयर टू इनपुट कितना बड़ा है, मतलब कितना एम्पलीफाई हुआ है आपका आउटपुट, उसको हम लोग बोलेंगे गेन। तो ये जो वी आउट अपॉन वी इन, उसको हम लोग बोलेंगे एम्पलीफायर गेन। और अगर हम लोग को वी आउट चाहिए, तो हम लोग करेंगे AV इंटू वी इन। और ये जो VD है वो डिफरेंशियल वोल्टेज है, जो V2 और V1 का डिफरेंस है। तो ये था सिंबल एंड टर्मिनल्स के बारे में। अब हम लोग देखेंगे ऑपरेशनल एम्पलीफायर के डिफरेंट इनपुट मोड्स कौन से कौन से। तो पहला मोड है सिंगल एंडेड मोड। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे हम लोग जो दो इनपुट थे, नॉन टर्मिनल इनपुट और टर्मिनल इनपुट, इन्वर्टिंग इनपुट और नॉन इन्वर्टिंग इनपुट सॉरी, तो वो उसमें से हम लोग एक ही टर्मिनल पे इनपुट दे रहे। तो यहाँ पे हम लोग नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे इनपुट दे रहे, तो वहां से हम लोग को आउटपुट कैसा मिलेगा? तो दोस्तों, समझो कि यहाँ पे हम लोग Vin, ये है नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है जहां पे हम लोग ने इनपुट दिया, तो आउटपुट कैसा मिलेगा? ऐसा, क्योंकि हम लोग ने इन्वर्टिंग टर्मिनल पे इनपुट दिया, तो हम लोग का आउटपुट उल्टा मिलेगा। और ये सिंगल एंडेड का फर्स्ट है, मतलब फर्स्ट टाइप है। सेकंड टाइप में क्या हो रहा है कि हम लोग इनपुट दे रहे दूसरे वाले पिन को, मतलब नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को, तो हम लोग का आउटपुट कैसा मिलेगा? मतलब एज इट इज आउटपुट मिलेगा, लेकिन एम्पलीफाई होकर आउटपुट मिलेगा। आउटपुट कैसा मिलेगा? एम्पलीफाई होकर आउटपुट मिलेगा। यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम लोग के पास दो इनपुट टर्मिनल है, हम लोग सिर्फ एक ही इनपुट टर्मिनल का यूज़ कर रहे हैं, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे सिंगल एंडेड मोड। और सिंगल एंडेड मोड है, अभी जैसे कि मैंने बताया था कि जो भी हो रहा है, मतलब जो भी पावर दे रहे हैं, यहाँ पे हम लोग 0 वोल्ट दे रहे हैं, यहाँ पे भी 0 वोल्ट दे रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो होता है ना एम्पलीफायर, वो डिफरेंशियल एम्पलीफायर जैसा काम करता है। तो यहाँ पे V1 माइनस V2 होएगा, तो Vin माइनस 0 क्या हो जाएगा? Vin माइनस 0 Vin हो जाएगा, और वो मल्टीप्लाई होएगा एम्पलीफायर के गेन के साथ, AV के साथ, और हमको क्या मिलेगा? आउटपुट मिलेगा। तो ये फॉर्मूला दोस्तों याद रखना कि एम्पलीफायर के आउटपुट का जो वोल्टेज आउटपुट का जो फॉर्मूला है, वो है एम्पलीफायर गेन इंटू VD, डिफरेंशियल वोल्टेज जो है V1 माइनस V2। तो ये था सिंगल एंडेड मोड के बारे में। यहाँ पे हम लोग ने देखा कि V1 जीरो है, एक बार देखा हम लोग ने V2 जीरो है। तो यहाँ पे अगर देखो कि V1 जीरो है, ये जो है वो फर्स्ट टर्मिनल है पॉजिटिव, इसके वजह से माइनस V2 आ जाता है, और हम लोग का जो सिग्नल है वो इन्वर्टिंग हो जाता है।
अब हम लोग देखेंगे डिफरेंशियल मोड के बारे में। तो डिफरेंशियल मोड में क्या हो रहा है कि दो इनपुट दिया है वी इन वन और वी इन टू, और हम लोग को आउटपुट में कुछ मिल रहा है। तो दोस्तों ये आउटपुट कहाँ से कैसा मिल रहा है? तो दोस्तों आउटपुट है वो आउटपुट है वी इन वन माइनस वी इन टू, मतलब जो डिफरेंशियल वोल्टेज है उसके कंपेयर टू हम लोग को आउटपुट मिलने वाला है। मतलब क्या, अगर हम लोग ने यहाँ पे 4 वोल्ट दिया, यहाँ पे 2 वोल्ट दिया, तो 4 वोल्ट एक बार एम्पलीफाई होएगा और 2 वोल्ट एक बार एम्पलीफाई होएगा और फिर प्लस नहीं होने वाला है। यहाँ पे क्या होने वाला है, 4 वोल्ट माइनस 2 वोल्ट, मतलब डिफरेंस निकालेंगे ये दो वोल्टेज का, फिर जो आंसर आ रहा है जैसे कि 2 वोल्ट आ रहा है तो उसको एम्पलीफिकेशन करके हम लोग को आउटपुट पे मिलेगा। तो वी आउट इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए वी इन टू वी वन माइनस वी टू। ये था डिफरेंशियल मोड के बारे में। तो डिफरेंशियल मोड में क्या हो रहा है कि दो अलग अलग इनपुट हम लोग अप्लाई कर रहे हैं दो टर्मिनल पे। अब हम लोग देखेंगे कॉमन मोड, जैसे कि हम लोग को पता है कि ओपैम में दो टर्मिनल है, तो हम लोग दोनों टर्मिनल को सिर्फ एक ही सिग्नल अप्लाई कर रहे हैं वी इन, तो हम लोग को आउटपुट में क्या मिलेगा, 0 वोल्ट। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे भी सेम है वी इन वी इन, तो मैंने दोस्तों आपको बोला था कि इसका डिफरेंस निकालेंगे हम लोग, तो वी इन माइनस वी इन क्या हो जाएगा, 0। जो मल्टीप्लाई बाय एम्पलीफायर गेन होएगा तो हम लोग को आउटपुट 0 ही मिलने वाला है। अब हम लोग आइडियल ओपैम के इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक देखने वाले हैं। तो दोस्तों 8 कैरेक्टरिस्टिक है, तो कौन से, तो वोल्टेज गेन है, इनपुट रेजिस्टेंस है, आउटपुट रेजिस्टेंस है, ऑफसेट वोल्टेज। तो दोस्तों पहले वोल्टेज गेन के बारे में, मैंने जैसे कि बताया कि वी आउट अपॉन वी इन, मतलब रेशियो ऑफ आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज, उसको हम लोग वोल्टेज गेन बोलते हैं। तो वोल्टेज गेन इनफाइनाइट रहना चाहिए, तो आइडियल कैरेक्टरिस्ट ऐसा बोलता है कि वोल्टेज गेन इनफाइनाइट होना चाहिए। तो क्यों? कि आप जो भी इनपुट दे रहे हो तो वो इतना ज़्यादा एम्पलीफाई करके दे कि इनफाइनाइट टाइम तक एम्पलीफाई करके दे, इसके लिए वोल्टेज गेन इनफाइनाइट रहना चाहिए। ये आइडियल ओप एम्प के कैरेक्टरिस्टिक है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, मतलब मैक्सिमम रहना चाहिए। अब हम देखेंगे इनपुट रेजिस्टेंस। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको ये डायग्राम में बताया था कि ये इनपुट रेजिस्टेंस है, तो ये इनपुट रेजिस्टेंस इनफाइनाइट रहना चाहिए। तो क्यों? क्योंकि आप जो ये यहाँ पे दो सिग्नल अप्लाई कर रहे हो ना, वो एज इट इज यहाँ पे रहे और ओपन वो दो कंसीडर करके आपको आउटपुट दे, उसके लिए आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस इनफाइनाइट रहना चाहिए। अगर इनफाइनाइट नहीं रहेगा तो आपका आउटपुट डिस्टॉर्शन आएगा आउटपुट में। ये था इनफाइनाइट रेजिस्टेंस के बारे में। अब हम लोग देखेंगे जीरो आउटपुट रेजिस्टेंस। तो अगर जीरो आउटपुट रेजिस्टेंस रहा तो आपका जो आउटपुट आ रहा है वो ही आउटपुट आपको आउटपुट पे मिलेगा, जिसकी वजह से कोई आपको ब्लॉकेज नहीं मिलेगा। जैसे कि ये इसमें दिख रहा है कि ये आपका आउटपुट रेजिस्टेंस है, सॉरी ये आपका आउटपुट रेजिस्टेंस है RO। अगर यहाँ पे हम लोग को जो आउटपुट मिल रहा है वी नॉट, वो जाएगा पास होके यहाँ तक। अगर आर नॉट बहुत ज़्यादा रहा तो ये यहाँ से पास ही नहीं हो पाएगा और हम लोग को आउटपुट नहीं मिलेगा, तो आर नॉट का वैल्यू कम रहना चाहिए। तो क्या रहना चाहिए, जीरो रहना चाहिए आइडियल आउटपुट में। आइडियल ओपैम के कैरेक्टरिस्टिक में आउटपुट रेजिस्टेंस का वैल्यू जीरो रहना चाहिए। फिर जीरो ऑफसेट वोल्टेज। तो जीरो ऑफसेट वोल्टेज क्या बोलते हैं, जो इनपुट टर्मिनल है ना, समझो कि दोनों इनपुट टर्मिनल पे हम लोग ने जीरो वोल्ट दिए है, मतलब हम लोग कुछ भी नहीं दे रहे, एक भी सिग्नल पास नहीं कर रहे, तो आउटपुट में क्या मिलेगा, जीरो ही मिलेगा ना भाई, जीरो माइनस जीरो इंटू ए वी, जीरो ही मिलने वाला है। पर प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, जब हम लोग दोनों जगह पे दोनों टर्मिनल पे जीरो जीरो देते हैं तभी थोड़ा मिली वोल्ट मिलता है, जो प्रैक्टिकली हम लोग को प्रैक्टिकली प्रैक्टिकल ओपन में मिलता है। तो आइडियल ओपन में हम लोग को वो जीरो ऑफसेट वोल्टेज रहना चाहिए। फिर इनफाइनाइट बैंडविड्थ रहना चाहिए, मतलब आपका ओपन हर एक फ्रिक्वेंसी पे काम करना चाहिए कि इनफाइनाइट फ्रीक्वेंसी तक ऑपरेट करना चाहिए। आप कोई भी फ्रीक्वेंसी का सिग्नल दो आपको उसके लिए आउटपुट देना चाहिए। फिर इनफाइनाइट CMRR, मतलब कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो, मतलब हम लोग जब कॉमन सिग्नल दे रहे, जब जैसे कि हम लोग ने पिछले कॉमन मोड में देखा था कि सेम सिग्नल दोनों टर्मिनल को देंगे तो आउटपुट जीरो आना चाहिए, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट CMRR, मतलब क्या, कॉमन सिग्नल को पूरा रिजेक्ट कर देगा, उसको हम लोग बोलेंगे इनफाइनाइट CMRR। अभी इनफाइनाइट स्लू रेट, तो दोस्तों खाली अब तक के लिए इतना समझो कि स्लू रेट इनफाइनाइट रहना चाहिए और पावर सप्लाई रिजेक्शन रेशियो जीरो रहना चाहिए। बाकी के आगे की वीडियोज में हम लोग देखेंगे कि स्लू रेट और पावर सप्लाई रिजेक्शन रेशियो क्या है। तो इम्पोर्टेंट आइडियल कैरेक्टरिस्टिक में क्या क्या पढ़ा हम लोग ने, कि वोल्टेज गेन इनफाइनाइट रहना चाहिए, फिर क्या, इनपुट रेजिस्टेंस इनफाइनाइट रहना चाहिए, आउटपुट रेजिस्टेंस जीरो रहना चाहिए, ऑफसेट वोल्टेज जीरो रहना चाहिए। ऑफसेट वोल्टेज मतलब क्या, कि जब आप दोनों इनपुट टर्मिनल पे जीरो वोल्ट दे रहे पर तभी भी आउटपुट में कुछ मिलेगा, एक्चुअली में कुछ नहीं मिलना चाहिए आपको, लेकिन आउटपुट में कुछ ना कुछ तो मिलेगा, उसको हम लोग बोलते हैं ऑफसेट वोल्टेज। बाद में बैंडविड्थ के बारे में देखा, इनफाइनाइट बैंडविड्थ देना चाहिए, मतलब कोई भी फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट करना चाहिए। फिर इनफाइनाइट CMRR, स्लू रेट और पावर सप्लाई रिजेक्शन रेशियो।
तो दोस्तों प्रैक्टिकली इसका वैल्यू क्या है, तो प्रैक्टिकली इनपुट रेजिस्टेंस का वैल्यू है 2 mega ohm, फिर इनपुट सॉरी वोल्टेज गेन का इनपुट रेजिस्टेंस का वैल्यू है ना, तो यहां पे आएगा वो, तो प्रैक्टिकली इनपुट रेजिस्टेंस का वैल्यू है 2 mega ohm, आउटपुट रेजिस्टेंस का 75 ohm, जो बहुत कम है, ये बहुत ज़्यादा वैल्यू है और ये बहुत कम वैल्यू है। फिर ऑफसेट वोल्टेज का वैल्यू क्या आ रहा है कि ऑफसेट वोल्टेज का वैल्यू है 2 mV, मतलब जब आप कुछ भी अप्लाई नहीं कर रहे हो, दोनों जगह पे जीरो दे रहे हो, तब आपको आउटपुट में क्या मिलेगा, 2 mV मिलेगा। और फिर बैंडविड्थ है 1 MHz, मतलब 1 MHz तक की कोई भी फ्रिक्वेंसी डालोगे आपको मतलब आपको आउटपुट मिलेगा। CMRR की बात करेंगे तो CMRR है 90 dB, स्लो रेट का भी कोई वैल्यू है, तो बाकी सब वैल्यूज बाद में देखेंगे। और ये सब है कि आइडियल कैरेक्टरिस्टिक में, ये आइडियल कैरेक्टरिस्टिक है और ये है आपके प्रैक्टिकल वैल्यूज। तो दोस्तों हमने देखा कि ओपम के बारे में देखा है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और ज़्यादा जानकारी लेंगे स्लो रेट, CMRR और पावर सप्लाई रिजेक्शन रेशियो के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो ये था वीडियो ऑन ओपम, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा रहेगा, और अच्छा लगा तो शेयर करो अपने दोस्तों को जो अपनी तरह लास्ट मिनट पे पढ़ते हैं। और भी बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखो। पूरा कोर्स अगर आप ECCF का चाहते हो तो www.lastminute.com पे विजिट कर दो, तो आपको वहाँ पे पूरा कोर्स मिल जाएगा। बाकी इसके हमने नोट्स भी बनाए हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में डिटेल दी है किस तरह से आप हमारे नोट्स ले सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखो यार। बाकी हैव अ नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम्स।